आर यू सेटिस्फाइड विद टीम्स परफॉर्मेंस टुडे? नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली बात है. हम लोग का 50 से 55 पॉइंट्स मिस हुए हैं, तो कौन सेटिस्फाई रहेगा? कोई सेटिस्फाई नहीं है. बट हाँ, ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग बेटर बनने के लिए. अब सोल को कौन सा राउंड में जाएगा? अभी ऐसा है कि और तीन गेम है, और तीन मैचेस रहेंगे नेक्स्ट वीक. अभी देखो, अभी जो भी लिस्ट बनी है, इनके और तीन मैच होंगे. अब वो तीन मैच को टोटल छः मैच का मिला के जो 16 टॉप 16 आएंगे, उन लोगों को सीधा मेन राउंड के लिए इन्वाइट जाएगा, और बाकी लोग को फिर राउंड टू राउंड थ्री ऐसा कुछ करके वहाँ वापस क्वालिफायर से आना पड़ेगा. और ऐसा यहाँ से कोई बाहर नहीं जा रहा, यहाँ से इनका क्वालिफाइंग का ऑप्शन है. बट बेस्ट रहेगा कि अगर हम टॉप 16 में आते हैं नेक्स्ट तीन गेम में, मेरे हिसाब से तो 40 से 50 का टारगेट रखना पड़ेगा. 70-80 पॉइंट कट ऑफ जाएगा मेन इन्वाइट के लिए. भाई आपको छोड़ के बाकी सब ने गिव अप कर दिया है कॉम्प्लीमेंट 2019-2020 वाले प्लेयर. यार हम तो 2018 वाले हैं, आई डोंट थिंक सब ने गिव अप किया है. मैं मतलब बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखता हूँ ओवेस डेस्ट्रो. सो ये दो बंदे यार जो मेरे टाइम के प्लेयर्स है, मावी और कौन है, बहुत लोग हैं यार जो हम लोग पुराने टाइम से खेल रहे हैं. और हम लोग को यार वही एक पैशन रहता है. आज के प्लेयर्स में पैशन नहीं, आज के प्लेयर्स में लोगों को पैसा चाहिए. तो बस वही चीज, पैसा भी इम्पोर्टेंट रहता है बट पैशन इज समथिंग विच ड्राइव्स अस टू कीप ग्राइंडिंग. भाई गॉडलाइक को टारगेट क्यों किया पॉडकास्ट में रजत मलिक भाई? पहली बात तो पॉडकास्ट में आई थिंक गॉडलाइक के बारे में पूरा 140 मिनट्स के पॉडकास्ट में जब मैंने दो तीन बार ये जगह चेक करवाया और एक एनालिसिस किया तो टोटल टाइम स्टैम्प मिला के कुछ 6-7 मिनट की डिस्कशन है. उसके अलावा 1 घंटा 30 मिनट बाकी चीज़ों के बारे में हुई है, और वो भी फन सेगमेंट जहाँ जहाँ पे वो कास्टर सवाल पूछा था उसके जवाब दिए थे लोगों ने. एंड रही बात टारगेट करते हैं, तो टारगेट आई डोंट थिंक किसी ने किया है, सबने अपने ओपिनियन दिए. व्हेन यू सिट इन अ पॉडकास्ट पीपल आस्क यू ओपिनियन, यू गिव योर ओपिनियन. तो